मैंने 250 ग्राम मशरूम, करीब 4-5 छोटे साइज का प्याज और 3 आलू छीलकर ले लिए हैं, और प्याज और शिमला मिर्च को मैंने क्यूब के आकार में काट लिया है, और लहसुन और एक बड़ी हरी मिर्च और एक टमाटर लिया है मैंने, और सूखे मसालों में मैंने 2 तेज़पत्ता, जीरा, 2 मिर्ची और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, छोटा सा अदरक दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्चा और 1/2 चम्मच धनिया लिया है। और हम लोग सबसे पहले इस तरह मेरे बताए तरीके से आप पहले मशरूम को छील लीजिए, छील कर काट कर और उसे अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद हम लोग उसे गर्म पानी में हल्दी नमक डालकर करीब 5 मिनट तक उबालेंगे। जब वो 5 मिनट तक उबल जाए, उबलने के बाद हम लोग उसे पानी से निकाल लेंगे और उसके बाद उसे गर्म तेल में हम लोग उसे तलेंगे। मशरूम हमारा उबल गया है, अब हम लोग उसे गर्म तेल में फ्राई करेंगे। अब हम लोग उसमें आलू भी डाल देंगे। आलू मैंने बच्चों के लिए डाला है, बहुत से जो बच्चे मशरूम नहीं पसंद करते वो आलू खा लेंगे, इसलिए मैंने आलू डाला है। तो आलू अगर अभी इतने बड़े साइज़ में डालें या बड़े साइज़ के डालें तो उसे कांटे की सहायता से हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा वो उसमें छेद कर देंगे ताकि मसाले उसमें आसानी से मसालों का फ्लेवर आ जाए। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और नहीं भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस स्टेज पर हम लोग आलू डाल देंगे और आलू के ऊपर थोड़ा सा नमक हम लोग डाल देंगे ताकि आलू में नमक चला जाए। हम लोग मशरूम को नमक डाल के उबाल लिया था। ये देखिए नमक डाल दिया है, अब हम लोग उसे अच्छी तरह से भुनेंगे करीब 1 मिनट। ये देखिए अच्छी तरह से भून गई है, अब हम लोग उसे निकाल देंगे। अब हम लोग उसी पैन में थोड़ा सा तेल और डालेंगे, अब मसालों को भूनेंगे उसमें। मैंने पहले तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च को तोड़ के उसमें डाल दिया, अब चॉप किए हुए ऑनियन को अब हम लोग उसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। ऑनियन डाल के करीब हम लोग 1 मिनट तक ऑनियन को पकने तक हम लोग उसे भूनेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम लोग सूखे मसाले जो हमने रखे थे, करीब 1 चम्मच मिर्चा, धनिया और हल्दी जो हमारे मसाले थे उसे ऐसे ड्राई भून लेंगे। ड्राई भूनने से उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और जो बाकी बचे मसाले थे जैसे लहसुन और गरम मसाले जो हमारे छोटी इलायची, लौंग, ये सब बड़ी इलायची थे उसे मैंने पीस लिया है, और जीरा। अब देखिए इस तरह अब हम लोग उसमें चॉप किए हुए टमाटर को डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला करीब करीब भून गया है, अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही नमक यूज़ किया क्योंकि हम लोगों ने पहले ही नमक आलू और मशरूम में डाल चुके थे। अब हम लोग भुने हुए मसाले में भुना हुआ मशरूम डाल के भूनेंगे। अब उसमें जो हरी मिर्ची थी हरी मिर्ची काट देंगे, जो क्यूब के आकार में प्याज और शिमला मिर्च मैंने काट के रखे थे अब उसे मैंने डाल दिया। ये देखिए इस प्रकार हम लोग उसे डाल देंगे। अब ये डाल के करीब 1 मिनट तक अब इसे भूनेंगे, ढक कर रख देंगे पकने के लिए। 1 मिनट बाद फिर से इसे भूनेंगे।
बनाने के बीच में बीच बीच में चलाते रहें, मसाला चिपकना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, जल जाने तो फ्लेवर ख़राब हो जाता है। सब्जी हमारी अच्छी तरह से भून गई है, देखिए अब हम लोग उसमें पानी डालेंगे। पानी इतना ही डालें जितने में सब आलू हमारा पका हुआ नहीं है, उतने का कम से कम उतना पानी डालें। उसके बाद आप एक्स्ट्रा पानी, अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आप कम डालें, और अगर वो पतला चाहिए ग्रेवी तो आप अधिक पानी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब उसे ढककर उसे पकने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म आलू मशरूम की सब्जी तैयार है, इसे बनाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक